हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं खस्ता कचौड़ी, दिल्ली की मशहूर खस्ता कचौड़ी। तो देखिए हमारी कचौड़ी कितनी खस्ता बनी है, कितना क्रिस्पी साउंड आ रहा है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी खस्ता कचौड़ी कैसे बनी। तो अब हम इसमें डालेंगे आलू की सब्जी और मेथी की लौंजी। ये देखिए मेथी की लौंजी है, इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है और इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं दिल्ली की मशहूर खस्ता कचौड़ी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन्नास फूड रेसिपी। यहाँ पे हम लेंगे एक कटोरी मैदा और आधा कटोरी सूजी। ये रेसिपी हम दो लोगों के लिए बना रहे हैं तो ये बहुत इतनी मैदा में बहुत होगी। अब हम इसमें लेंगे आधा चम्मच नमक, दो चम्मच ऑयल, थोड़ी सी अजवाइन और दो चम्मच ऑयल डालेंगे अब हम इसमें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, ऐसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे इसको बिल्कुल अच्छे से। सूजी डालने से हमारी कचौड़ियाँ एकदम क्रिस्पी बनेंगी। अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे। पानी हमें इकट्ठा सारा नहीं डालना, हमें डो बिल्कुल पतला भी नहीं बनाना है और एकदम टाइट भी नहीं बनाना है, हमें ये मीडियम रखना है। और रोटी से थोड़ा टाइट बनाना है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। हमारा डो बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के आधा घंटा रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी आलू की सब्जी बना लेते हैं। हमने यहाँ पे कढ़ाई में दो चम्मच ऑयल डाला, अब हम इसमें जीरा डालेंगे, एक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने दो मीडियम साइज के आलू लिए थे जिनको हमने बॉईल करके मैश कर लिया है, इनको मसालों में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हम थोड़ा इसमें ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि ये थोड़ी पतली अच्छी लगती है कचौरियों के साथ। आलू अगर ज़्यादा मोटे लगे तो इनको थोड़ा सा चमचे से मैश कर लें। तो हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच अमचूर और आधा चम्मच गरम मसाला। हमें इसमें एक बॉईल आने तक पकाना है इसको। और आधा चम्मच इसमें हम डाल लेंगे लाल मिर्च। एक बॉईल आने तक पकाना है, ये फटाफट रेडी हो जाएगी। ये देखिए इतना अच्छा सा बॉईल आ गया। अब हम इसको धनिया से गार्निश कर लेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी सब्जी बनके तैयार है। ये देखिए अब हम अपने डो को देखते हैं। आधा घंटा हो गया हमारे डो को। ये देखिए अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं, हाथों से अच्छे से मल लेते हैं। इतने आटे से हमारी 7 से 8 कचौरियां आराम से बन जाएंगी। तो देखिए हमें इतनी बड़ी बड़ी बनानी है, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी। ये देखिए हमारी लोइयां तैयार हो गई। अब हम इनको बेल लेते हैं। हम इनको इतना ही मोटा बेलेंगे, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला। इसी तरह हम बाकी कचौरियों को बेल लेते हैं। और ये देखिए हमारी सारी तैयार है कचौरियां बेल के। अब हम इनको ऑयल में डाल देते हैं।
ये देखिए हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर रखा हुआ है, ऑयल को हमें हॉट नहीं करना इनको फ्राई करने के लिए। कचौरियाँ बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करनी है जिससे क्रिस्पी बनेंगी, फ्लेम हाई नहीं करनी है बिल्कुल भी। हम सारी खट्टी डाल देंगे सारी कचौरियाँ जिससे ये फूले ना, हम इनको ऐसे हिला हिला के सेक लेंगे पलट पलट के और दबा लेंगे इनको जिससे ये फूले ना। हम इनको ऐसे दबाते हैं, ये देखिए हमारी कचौरियाँ एकदम रेडी हैं। फ्लेम ऑफ करके अपनी सारी कचौरियाँ निकाल लेते हैं, कचौरी बनके एकदम रेडी है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है हमारी खस्ता कचौरी। अब हम इसको गर्म गर्म सर्व करेंगे आलू की सब्जी और मेथी की लौंची के साथ। थैंक यू।